दोस्तों टाटा सुमो भारत में पेश की गई पहली स्वदेशी एसयूवी में से एक थी। पहली नजर में इसका नाम जापानी सुमो पहलवान से प्रेरित लगता है, लेकिन टाटा सुमो का ना तो किसी जापानी सुमो पहलवान से संबंध है, ना ही किसी जापानी कंपनी से इसका रिलेशन। इसके नाम के पीछे की बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसको सुनकर आप एक बार फिर से टाटा पर प्राउड करने लगोगे। कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों साल था 1966। सुमंत मुड़गांवकर को टेलको यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स, वर्तमान में टाटा मोटर्स का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मुड़गांवकर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ प्रतिदिन एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके साथियों ने एक परिवर्तन महसूस किया। होता यूं था कि सुमंत मुड़गांवकर लंच ब्रेक शुरू होते ही अपनी कार लेकर बाहर निकल जाते थे और लंच ब्रेक समाप्त होने से ठीक पहले वापस ऑफिस में पहुंच जाते। अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि टाटा के कुछ डीलर्स उन्हें किसी 5-स्टार होटल में लंच करवा रहे हैं। एक दिन उनके ही कुछ सहकर्मी और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने उनका पीछा किया। वो जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि सुमंत की कार किसी 5-स्टार होटल के बजाय हाईवे के सबसे प्रसिद्ध ढाबे के बाहर रुकी। ये उस दौर में बेहद आश्चर्य का विषय था। मेले कुचेले कपड़ों में ऑयल ग्रीस से भरे ड्राइवर्स और खलासियों के साथ खाना तो दूर, उनसे हाथ मिलाने से भी आदमी कतराता था। ऐसे में टेल्को का सबसे शीर्ष अधिकारी उनके साथ बैठकर भोजन कर रहा था और साथ ही उनसे गाड़ी से संबंधित खामियां और उन्हें दूर करने संबंधी उपायों की चर्चा भोजन के दौरान कर रहा था। भोजन समाप्त होते ही ये बंदा कुछ नोट्स बनाता और अपनी गाड़ी से वापस पहुंच जाता ऑफिस। सुमंत की ये खासियत थी कि वो अंतिम उपभोक्ता यानी ग्राहक से सीधा संवाद कर टाटा के ट्रकों और बसों की खासियतों और कमजोरियों की खुलकर चर्चा किया करते थे। कुछ ऐसा जज्बा था सुमंत का टाटा के ट्रकों को टॉप पर पहुंचाने का, और एंड में वो सफल भी हुए। उनके इस अटूट प्रयास को सलाम करते हुए टाटा मोटर्स ने ऑटोमोबाइल के इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी सम्मान सुमंत को दिया। अपने लग्जरी मॉडल और भारत के संभवतः प्रथम एसयूवी का नाम टाटा मोटर्स ने सुमंत के नाम किया, जो शायद ही किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के नाम पर किया हो। सुमंत मड़गांवकर के अंग्रेजी के दो दो अक्षर लेकर सुमो नाम दिया गया। सुमंत मड़गांवकर टाटा मोटर्स के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। वो टाटा स्टील के उपाध्यक्ष भी रहे, वो मारुति सुजुकी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं टाटा ब्रांड और सुमो टाटा के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।